दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जान लेता हूं मैं आपके क्वेश्चंस और देता हूं उनके आंसर्स। अगले एपिसोड में आना तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहीं से पिक कर रहा हूं। कुछ 15-16 के आसपास क्वेश्चन लिए, जल्दी से जाएंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट। सबसे पहले पिछले हफ्ते के पोल के बारे में बात करेंगे। मैंने पूछा था कि फोन लेते टाइम, वैसे प्रायोरिटी तो सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें अच्छी मिले, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायर आपके लिए क्या होता है, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए कौन सी चीज होती है? डिस्प्ले डिजाइन, परफॉर्मेंस, यूआई, कैमरा, बैटरी चार्जर या अदर फैक्टर्स? कुछ 4,500 के आसपास लोगों ने वोट किया, जिसमें सबसे ज्यादा 66% जो है वो चिपसेट को दे रहे हैं, मतलब यूआई और चिपसेट परफॉर्मेंस को। इसके बाद सब ठीक ठाक है, मतलब 16% लोग ऐसे हैं जो कैमरा पे जाते हैं, डिस्प्ले पे 11% है, 4% अदर फैक्टर्स हैं, सिम स्लॉट हो गया, 3.5mm जैक हो गया, कितने 5G बैंड्स हैं हो गया, सब कुछ, मतलब इन डिस्प्ले सेंसर सब कुछ, एंड बाकी 3% लोग जो है बैटरी एंड चार्जर पे जाती है। मेरे लिए भी परफॉर्मेंस यूआई काफी वो है, लेकिन कैमरा को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा होता है। चलिए इस हफ्ते का पोल देख लीजिए जाके, अराउंड 20,000 आपके लिए सबसे अच्छा स्मार्टफोन अभी के टाइम पे कौन सा लग रहा है आपको? अभी आईकू Z7 5G लॉन्च हुआ है ना, उसको लेके। इसके अलावा मोटो G82 5G है, रियलमी 9 स्पीड एडिशन है, नार्जो 50 प्रो है और पोको X5 5G है। 20,000 के नीचे या 20,000 के प्राइस तक आती है। आप जाइए कम्युनिटी सेक्शन में पोल करके बताइए कि 20,000 के प्राइस पे आपके हिसाब से सबसे अच्छा वाला स्मार्टफोन कौन सा है, सारे फीचर्स मिला के। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है संदीप पटेल की तरफ से। सर, OnePlus Nord 3 इंडिया में कब लॉन्च हो सकता है, थोड़ा अपने अनुभव से बताइए। Vivo V27 5G कैसा फोन है? अच्छा फोन है, अगर आपको 27 तक मिल जाता है सारे एक्सचेंज एंड कार्ड मिला के ना ऑफर, तो सही फोन है, प्रॉब्लम नहीं है। Nord 3 आएगा ये सेकेंड क्वार्टर, जिसको कहते हैं अप्रैल, मई और जून। जून तक तो नहीं जाएगा, लेकिन अप्रैल मई तक आपको ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा। चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है OnePlus Ace 2V के नाम से, वही आने वाला है एंड प्राइस इसकी 30,000 से 35,000 के बीच में होगी, जो बेस वेरियंट होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है लक्ष्मण की तरफ से। हेलो सर, मेरा सवाल है कि अभी अगर A52s 20,000 या 22,000 तक के प्राइस में मिलता है तो क्या वर्थ है? मिलता क्या ये भी बता दिया करो, ताकि मैं दूसरों को बता दूं। भाई 20-22 हज़ार तक काफी अच्छा है, 20,000 तक तो अनबीटेबल है, मतलब 20,000 तक मिल जाए तो अभी भी, मेरे ख्याल से अभी 1.5 साल हुआ, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो 2-3 अपडेट अभी भी मिलने चाहिए, तो मेरे हिसाब से काफी सही है एंड प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अमित की तरफ से। विवेक सर, आई एम वेटिंग फॉर IQOO Z7 Pro, कोई लीक आए तो जरूर बताइए। अभी एक आया था कि स्नैपड्रैगन 778G के ऊपर आने वाला है एंड इसमें 120W का फास्ट चार्जर होगा, प्राइसिंग आपको 25,000 के आसपास मिलेगी इसकी। अब देखते हैं क्या आता है। एंड चाइना में 2-3 IQOO Z7 के आए हैं, IQOO Z7 आए एंड बाकी सारे ऐसे कुछ नाम से, अब उसमें से कोई आता है देखने वाली बात होगी, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन आएगा बता दूंगा, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्दी अगले 1-2 महीने में भी इंडिया, जून से पहले ये इंडिया में पॉसिबली लॉन्च हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं लेके जाएंगे अगर लॉन्च होना होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से। सर, जैसे कंपनी डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास का प्री अप्लाइड प्रोटेक्टर देती है, तो क्या उसके टूटने के बाद हम मार्केट से दोबारा गोरिल्ला ग्लास 5 और टच गार्ड कहाँ से खरीद सकते हैं? ऐसा कोई उनका वो नहीं आता, मतलब मार्केट में ऐसे नहीं मिलता, एंड अगर गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन टूटेगा तो आपका डिस्प्ले भी जाएगा, तो पूरा डिस्प्ले आपको चेंज करवाना पड़ेगा। अब अगर ब्रांड के ऑथोराइज कस्टमर केयर सर्विस सेंटर से अगर करवाते हो तो वहां पे वो लोग वो ग्लास लगा के ही देते हैं उसके साथ, ऐसा मार्केट में नहीं मिलता कहीं पे, उसका टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिलता। नितेश भाई सारे की तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर, आज की तारीख में रियलमी 9 स्पीड एडिशन लेना सही रहेगा क्या? उसमें एसडी कार्ड स्लॉट और प्रोसेसर 778, अगर ये आपको सारे ऑफर आके 16,000 तक आ जाते तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छा फोन है। ओम मोटवानी की तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नमस्ते जी विवेक सर, कृपा करके सुझाव दें कि सैमसंग A54 M54 क्या अच्छा रहेगा? माता जी के पास A52 है, उनकी स्क्रीन खराब हो रही है। अभी M54 आ जाने दो, अभी टाइम है थोड़ा सा, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने का टाइम है। A54 तो 40,000 के आसपास जा रहा है, तो अगर बजट है तो ही देखो, अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। उससे बेटर प्राइस में A52S आ रहा है, वो ज्यादा अच्छा फोन है मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लीजिए। M54 का वेट करना चाहते हो तो कर लो, ये 30,000 के नीचे मेरे हिसाब से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषोत्तम की तरफ से। नमस्ते सर, रियलमी नार्जो 50 प्रो ले IQOO Z7, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से IQOO Z7 ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसका ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम कंथाले की तरफ से। सर, चिपसेट से कैमरा क्वालिटी पर बहुत फर्क पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उसका ISP जो होता है ना, इमेज प्रोसेसिंग, वो काफी फर्क करता है, एंड ऑप्टिमाइजेशन दूसरी चीज होती है, तो वीवो एक ऑप्टिमाइजेशन भी चीज होती है, तो हर एक जैसा सेंसर हो गया, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज फर्क करता है, अलग अलग चीज, सेंसर का भी अलग असर होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग जो उसका
चिपसेट है उसका अलग असर होता है, फिर ऑप्टिमाइजेशन का अलग असर होता है, तो बाकी चीजें मिला जुला के ही जो फोटोज आते हैं ना सारे आते हैं, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हुआ है उसका अलग असर होता है। V27 Pro चिपसेट, हाँ थोड़ा तो फर्क पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशु की तरफ से, सर iQOO Z7 के या किसी कम प्राइस वाले स्मार्टफोन के OIS और हाई प्राइस वाले OIS सेम होते हैं या डिफरेंट? मैंने कहा ना बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है, ये तो हार्डवेयर का पार्ट हो गया, OIS सेम होता है लेकिन ऑप्टिमाइजेशन का फर्क होता है, तो इसीलिए आपको जो इफेक्ट रहेगा बाद का वो आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, 108 मेगापिक्सल के सेंसर सेम होते हैं, 12,000 के 13,000 के फोन में भी यूज हुआ एक बार, एंड ये 1,00,000 के भी फोन में यूज हुआ है, सेम सेंसर वही सैमसंग का, तो फिर ऑब्वियसली फोटो में तो फर्क आ ही रहा था, तो वही ऑप्टिमाइजेशन जो का खेल होता है ना वही थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामजीत की तरफ से, पोको X5 GT कब तक आएगा? पोको X5 GT का अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जो टर्बो है रेडमी नोट 12 टर्बो चाइना वाला वो इंडिया में पोको F5 बन के आने वाला है, एंड लॉन्च डेट मैं आपको बता दूं ये 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में होगा, अभी जो लीक्स आ रहे ना इसी 10 दिन में आपको, और जल्दी इसके बारे में बाकी सारी चीजें भी आपको सुनने को मिलेंगी और उसी टाइम के बीच में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमिस्ट की तरफ से, 3 क्वेश्चन इनके, विच फोन इज मोर वैल्यू फॉर मनी, मोटो G82 और iQOO Z7? G82 अगर चिपसेट को थोड़ा सा साइड में रखो तो बाकी सारी चीजें ज्यादा बेटर है। सेकंड क्वेश्चन है विल द प्राइस ऑफ पोको X5 Pro गो डाउन 20K इन फ्यू मंथ्स? पॉसिबली, बट अभी ऐसा कोई न्यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल द नेक्स्ट सेल कम आफ्टर? वो तो हर महीने एक दो छोटे छोटे आते रहते हैं, ऐसा कोई बड़े सेल की बात करो तो जून पॉसिबली आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरा व्लॉग की तरफ से, रियलमी 10 प्रो प्लस कैसा फोन है? 25,000-24,000 का मेरे हिसाब से अच्छा फोन है भाई, देख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल विल में 23,000 तक आ जाता है, कर्व डिस्प्ले सारी चीजें अच्छी है, मेरे हिसाब से अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजाहिद कुरैशी की तरफ से, हेलो सर कैसे हो? मैं अच्छा हूँ मुजाहिद, आप बताओ कैसे हो? एंड OnePlus 9, OnePlus 10R क्या फोन वर्थ है या फिर OnePlus Nord 3 का वेट करना चाहिए? नॉट 3 का वेट कर रहे हो, 40,000 के आसपास का बजट है तो 10R ले लो, मैं कहूंगा ज्यादा बेटर है उससे, उससे कहीं ज्यादा बेटर है, कहीं ज्यादा बेटर स्पेसिफिकेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंश की तरफ से, 40K के अंदर बेस्ट कैमरा फोन? 40K के अंदर 3 स्मार्टफोन्स मैं कहूंगा, देखो अगर आपका 30,000 के आसपास का बजट है तो गूगल का पिक्सल 6a जो है काफी अच्छा है, इसके अलावा सैमसंग का S21 FE ये भी अच्छा फोन है 35,000 के अंदर, एंड 40,000 तक आते हो OnePlus 11R, ये तीनों फोन्स काफी अच्छे हैं, देख सकते हो इनकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है AK की तरफ से, M54 कब लॉन्च होगा? एज A54 मार्च में लॉन्च होने वाला है, A54 तो ऑलरेडी हो चुका है, M54 अगले 1.5 महीना समझ लो, अप्रैल एंड तक पॉसिबली आपको ये देखने को मिल सकता है, चांसेस है ज्यादा, ये एक्सिनोस 1380 के ऊपर ये भी आएगा। इट्स मोन्टू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, नॉर्ड 3 अंडर 30 के आएगा क्या? अंडर 30 के तो नहीं कहूंगा, ये 30,000 से 35,000 के बीच में पॉसिबली आपको देखने को मिलेगा इसका बेस वेरियंट जो होगा। चलिए हो गए सारे क्वेश्चन भाई, आप वाला है कि नहीं जरूर बताना, कैसा लगा वीडियो ये बता देना, पसंद आया लाइक बटन शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट खास नहीं करना, साइड में देखो वैक्टर में उसके ऊपर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो, एंड अगले एपिसोड में आना तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहीं से मैं पिक करता और कहीं से पिक नहीं करता, और कम्युनिटी सेक्शन में आके पोल करके बताइए कि कौन सा वाला फोन 20,000 के आसपास के बजट में सबसे बेस्ट है आपके हिसाब से, जो 5 ऑप्शन दिए हैं वहां पे। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।